हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इग्नू की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो है आपकी असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट, एंड सेकेंड हम बात करने वाले हैं एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में और आप किस तरह से एग्जाम फॉर्म का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन जो जुलाई 2019 के लिए है वो ओपन हो चुका है, उसकी लास्ट डेट क्या है, उसे फिल कैसे कर सकते हैं। जो आपकी लास्ट अपडेट है वो है आपकी दिसंबर 2018 का जो रिजल्ट है उसके अपडेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही गाइज, आप हमारे चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज चलिए अब हम लास्ट डेट ऑफ सबमिशन देख लेते हैं असाइनमेंट की। तो आपका जो सबसे पहले आता है वो आता है मास्टर डिग्री प्रोग्राम। तो उसके लिए जिन्होंने भी जुलाई 2018 के सेशन के स्टूडेंट्स है उनके लिए जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31 मार्च 2019, और आपके जनवरी 2019 वाले सेशन के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए है 38 सितंबर 2019। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एमसीबीसी की। तो ये सेमेस्टर वाइज होता है, तो जिन्होंने भी जुलाई 2018 में किया था उनकी जो डेट थी वो थी 15 अक्टूबर 2018, और जो भी जनवरी वाले स्टूडेंट है 2019 के उनके लिए जो लास्ट डेट है वो है 15 अप्रैल 2019। चलिए अब हम एम कॉम और बी कॉम की बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी जुलाई में एनरोल किया था, जिनको जून में एग्जाम देने हैं उनकी जो डेट है वो है 15 मार्च, और जिन्होंने भी जनवरी में एनरोल किया है जिनको दिसंबर में एग्जाम देने हैं उनकी जो डेट है वो है 15 सितंबर। चलिए अब हम बैचलर डिग्री की बात कर लेते हैं। तो बैचलर डिग्री की आपकी जिन्होंने भी जुलाई 2018 के जो भी सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2019, और जो भी जनवरी 2019 सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी है 30 सितंबर 2019। बट गाइज, ये जो है सारे प्रोग्राम्स की नहीं है। अगर आपको सारे प्रोग्राम्स की लास्ट डेट जाननी है तो इस वाली वीडियो को पूरा देखिए, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें मैंने एक्सप्लेन में बताया हुआ है ऑल प्रोग्राम वाइज, जितने भी आपके सारे प्रोग्राम्स हैं उसकी जो है लास्ट डेट सबमिशन क्या है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब सेकंड अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस चलिए अब हम एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट और स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए इग्नू की, वहां पे देखिए रजिस्टर ऑनलाइन लिखा होगा, उसके बाद आपको टर्म एंड एग्जाम पे क्लिक करना है। आप उसके बाद देख सकते हो ऊपर गाइडेंस में लिखा हुआ है 1 मार्च 2019 to 31 मार्च 2018। जो आपकी लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म की विदाउट लेट फीस वो है आपकी 31 मार्च 2019, और जो आपकी लेट फी के साथ जो है आपकी डेट है वो है आपकी 10 अप्रैल 2019, जिसमें आपको 1000 रुपीज लेट फीस जो है सबमिट करनी होगी एग्जाम फॉर्म भरते टाइम, अगर आप 31 मार्च के बाद अपने एग्जाम फॉर्म भरते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो नीचे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस टू सबमिट एग्जामिनेशन फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च ऑप्शन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर चेकिंग एग्जामिनेशन फॉर्म स्टेटस प्लीज विजिट इस सर्च ऑप्शन। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो है विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिख के सबमिट करना है, आप अपने यहाँ पे से एग्जाम फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो गाइज जो हमारी अगली अपडेट है वो आपकी री रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो है री रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है जुलाई 2019 वाले सेशन के लिए। उसके लिए आपको रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो गाइज देखिए अब जो है आपका ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन का ये जो है पेज ओपन हो चुका है। तो आप नीचे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे आपकी री रजिस्ट्रेशन की जो डेट है यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर जुलाई 2019 सेशन, और जो आपकी लास्ट डेट है री रजिस्ट्रेशन की वो है आपकी 31 मई 2019। तो मेक श्योर आप 31 से पहले जो है अपना री रजिस्ट्रेशन फिल कर दे। उसको फिल करने के लिए देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको इस पे क्लिक करना है। देखिए इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है, और नीचे जो है आपका कोड दिया हुआ है आपको वो जो है यहाँ पे टाइप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो गाइस इस पे जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको, रजिस्ट्रेशन आप कैसे सबमिट कर कैसे कर सकते हैं, इसका जो लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट करना नहीं आता है तो उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब हम जो है अपने अगले अपडेट के बारे में देख लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एग्जाम रिजल्ट से रिलेटेड, जो भी आपका दिसंबर 2018 का रिजल्ट था उसका जो है न्यू अपडेट आ चुका है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस ये जो न्यू अपडेट है वो आया हुआ है आपका 12th मार्च का। तो अगर आपका रिजल्ट जो अभी तक नहीं आया था तो आप जो है जाके चेक कर सकते हैं, ये जो है लास्ट 12th मार्च 2019 को अपडेट हुआ है।
आई होप गाइस आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे से आप जो है सोल असाइनमेंट PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।